ये सिर्फ शांत रहे। क्यों? क्योंकि देश में माहौल ऐसा क्रिएट हो चुका है कि अब आप अगर सच बोलेंगे या आप अपनी आवाज़ उठाएंगे तो आपके ऊपर केस भी दर्ज हो सकते हैं। यकीन नहीं आता तो चलिए हम आपको सुनाते हैं एक ऐसी कहानी जो अभी 3 सितंबर के जो पेपर में आई है और उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। आजरा ये है कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में एक स्कूल के अंदर मिड डे मील जो खाना जो बच्चों को जो मिलता है वो सिर्फ रोटी और नमक। गौर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। रोटी को नमक से दिया जाता है और उसका खुलासा करने के लिए एक पत्रकार सज्जन जो दिलेर है और सच का सामना करते हैं, उनका नाम है पवन जायसवाल, पत्रकार है और उन्होंने एक वीडियो बनाकर जो कि ऑथराइज तरीके से ही उसको कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने कॉल करके जो है वो इन्फॉर्मेशन दी कि हम ऐसे करना चाहते हैं और जो मिड डे मील का जो प्रोडक्ट है जो भी है हम उस पर जाँच कराएंगे और उसको जो है वो दिखाएंगे लोगों तक। तो कमेटी भी बनाएगी, कमेटी के जरिए जो है वो रिकॉर्ड भी किया। तो वहीं जब ये किरकिरी हुई है प्रशासन की, शिक्षा प्रशासन की जब किरकिरी देखकर तो उन्होंने क्या किया कि पवन पत्रकार को, पवन जायसवाल पत्रकार पर ही केस लगवा दिए गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो वीडियो जारी बना लिया था और उनको लगा कि अब नौकरी जाने वाली है और जो सरकार है अब एक्शन लेगी या वो घबरा गए। तो उन्होंने क्या किया, पवन जायसवाल के सहित जो पत्रकार थे उनके सहयोगी जो थे उन पर जो है केस लगवा दिए गए हैं कि उन्होंने जो है वो धारा, देखिए कौन सी लगवाई है, आईपीसी की 120B धारा लगवाई है, 186 धारा लगवाई है, 193 व 420 के तहत जो है पवन जायसवाल पत्रकार पर और एक अज्ञात पर जो है वो केस दर्ज कराया गया है और इस मामले को ठंडा करने के लिए और पूरा दबाव बनाया जा रहा है। पवन जायसवाल पर जो है केस बनवा दिया गया है, अब जो है उनको जेल में भेज दिया जाएगा। मगर सोचने की बात अब ये है कि अगर आप किसी शोषित की आवाज़ उठाते हैं, किसी वंचित की आवाज़ उठाते हैं जो कि नागवारा गुजरा उत्तर प्रदेश प्रशासन को, शिक्षा प्रशासन को, और इसमें देखिए जो मुख्यमंत्री है और जो वहाँ के मंत्री है वो भी पवन जायसवाल का जो है वो फेवर लेने के लिए नहीं उतरे हैं और ना ही कोई उतरा है उनके फेवर लेने के लिए कि पवन जायसवाल जैसे होनहार और दिलेर पत्रकार ने जो सच्चाई दिखाने की जो पेशकश की है, मतलब देखिए प्रशासन को इस पे इम्प्लीमेंट करने के बजाय, मतलब उस पे बच्चों को सुविधा देने के बजाय या उसको ठीक करने की बजाय जो है वो पत्रकार जायसवाल पर जो है वो केस लगवा दिए गए हैं कि आगे से कोई पत्रकार ऐसी हिमाकत ना करे और इससे जो है वो जो दूसरे रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं और चैनल वाले हैं सेहत लेंगे और कभी बोलने की हिमाकत नहीं करेंगे। तो ऐसा ही आज तक देखा गया है, जो सच्चा पत्रकार है, जो सच्चा रिपोर्टर है उसकी कभी आवाज़ जो है उठाई नहीं जाती चैनल के जरिए। और कई बार क्या है, रिकॉर्ड करके ले जाते हैं लोग, जैसे बड़े चैनल, इंटरनेशनल नेशनल चैनल जो रिकॉर्ड करके भी ले जाते हैं मगर उनकी आवाज़ को जो है दबा दिया जाता है, उस रिपोर्ट को है उस न्यूज़ को दिखाया ही नहीं जाता। और जो गरीब शोषित वंचित जो लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, वो सिर्फ इंतज़ार में रहते हैं कि उनकी न्यूज़ चलेगी, उनको न्याय मिलेगा। मगर आज का दौर जो है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है और जो पीड़ित है, वंचित है, जो शोषित है वो बेचारे जो है अपने अधिकार को, जो उनको मिलने वाला होता है, जो इसकी वो आस करते हैं, वो उसकी आस कृपया ना करें
क्योंकि जो आपकी आवाज़ उठाने वाले जो होनहार दिलेर पत्रकार होते हैं, रिपोर्टर होते हैं, उनकी आवाज़ को इस तरीके से जो है वो दबा दिया जाता है, उनको या तो देशद्रोही करार कर दिया जाता है या उनको जो है केस उन पर लगवाकर उनको जेल में भेज दिया जाता है। तो ये सिर्फ एक साजिश है कि पत्रकारों की जो आज सोशल मीडिया वेब पोर्टल और पोर्टल के जरिए जो आवाज़ उठाते हैं, जो लोग सच्चाई आवाज़ उठाते हैं, सच्ची आवाज़ उठाते हैं, उन पर जो है वो लगाम बिल्कुल इन ऐसे जरिए से लगा दी गई है कि वो आवाज़ ना उठा सके। और माफ़ी चाहेंगे कि जो बड़े नेशनल चैनल है उनको भी जो है हाईजेक कर लिया है सभी ने, और कि वो आवाज़ ना उठा सके किसी की, सिर्फ वो वही भाषा बोलते हैं जो उनसे बुलवाई जाती है। तो चलिए मैं इस पर माफ़ी चाहूँगा अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो, बाकी लोग पूरी जनता जानती है, पूरी देश की जनता जानती है जो आज चल रहा है। तो पत्रकारों पर जो बढ़ता जो शोषण है, जो अत्याचार है, जो उन पर केस लगवा दिए गए हैं, इस पर जो है हर पत्रकार को बाहर आना चाहिए और पवन जायसवाल जैसे दिलेर होनहार पत्रकार की जो है मदद करनी चाहिए और उस पर जितने केस लगे हैं वो सब वापस होने चाहिए। और जो इसमें इन्वॉल्व है, जो उन्होंने वीडियो बनाया है, जो प्रशासन जो मिड डे मील के नाम पर जो धोखाधड़ी कर रहा है, जो बच्चों को नमक से रोटी दे रहा है, या छिपकली गिर जाती है सब्जी में या किसी चीज़ में तो उसको भी खुला दिया जाता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, अस्पताल में चले जाते हैं, मगर जो है सख्त कार्रवाई जो है वो आज तक नहीं हो पाई है सही से। तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और पवन पत्रकार जायसवाल को जो है वो हर केस से मुक्त किया जाना चाहिए। और जितने पोर्टल हैं, वेब पोर्टल, न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया जो आज अपनी आवाज़ उठा रहे हैं उनको भी मजबूत करना चाहिए और उनको मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी जोर जबरदस्त तरीके से जो है वो देश के सामने सच्चाई रख सके। देखिए हम भी बिल्कुल विरोध में हैं, जो लोग ब्लैकमेल करते हैं किसी को वीडियो बनाकर या जैसे भी ब्लैकमेलिंग करी जाती है उस पर हम लोग भी जो है वो ऐतराज़ जताते हैं, गहरी निंदा करते हैं, मगर जो सच्चाई दिखाना चाहते हैं उसको जो है सब स्वतंत्र देश के जो पीएम हैं उनको भी इस पर मुआयना लेना चाहिए और अपने संज्ञान में लेना चाहिए और पत्रकार को जो है वो मान्यता पूरी देनी चाहिए ताकि पत्रकार सच्चाई दिखा सके और इसमें जो है देश का भला है और पूरे राष्ट्र का भला।